हेलो स्टूडेंट्स तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसमें एक्सएस के अलांग मोशन क्या होता है वाई एक्स के अलांग मोशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है मैक्सिमम हाइट अटेन टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह वगैरह इस इसमें बेस्ड क्वेश्चनस भी किए हमने राइट अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है कंडीशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बींग मैक्सिमम किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम कब होगी यह बात करनी है ठीक है वैसे तो आप रेंज को देखो रेंज का ये फॉर्मूला है आप क्या कर सकते हैं अगर आप <coughs> अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इंक्रीज हो जाएगी एम राइट एक तरीका तो ये है ही बट हम ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि एक आदमी फेंक रहा है एक आदमी किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है राइट तो वो जितनी मैक्सिमम स्पीड से फेंक सकता है वो तो उसने फेंक दिया यानी कि उसकी स्पीड को तो और ज्यादा इंक्रीज कर ही नहीं सकते यानी कि मैं ये बात तो करना ही नहीं रहा इसको तो मैंने कर दिया कैंसिल एक आदमी वेलोसिटी तो यहां पर क्या हो चुकी है constant हो चुकी है इससे ज्यादा स्पीड से, से फेंक ही नहीं सकता है ठीक है जी जी यानी कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनलेशन दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल एक्सोलेशन को भी चेंज नहीं कर सकते तो क्या चेंज कर सकते हैं टू इंक्रीज रेंज वॉट कैन यू डू यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा इट इज टू बी इंक्रीज टू इंक्रीज रेंज वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू इंक्रीज साइन टू थीटा और एंड फॉर रेंज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थी टू थीटा शुड बी मैक्सिमम यू कॉन्स्टेंट है यू कॉन्स्टेंट है आप क्या कर सकते हैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ चेंज थीटा चेंज कर सकते हैं यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है हॉरिजोंटल से किसी एंगल पे थ्रो करना है बट वह एंगल डिफरेंट डिफरेंट है तो किस एंगल के लिए किस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम की ये बात हो रही है वेलोसिटी इन ऑल द केसेस जब वैन यू थ्रो अ पार्टिकल एट डिफरेंट एंगल्स राइट एंगल आप डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं यस बट वेलोसिटी हर बार सेम है वेन यू थ्रो अ पार्टिकल विद सेम वेलोसिटी बट एट डिफरेंट एंगल्स इन दैट केस एट विच एंगल द रेंज ऑफ Will be हम ये बात कर रहे हैं राइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट एट डिफरेंट कॉन्सेंट हो गया थीटा आप चेंज कर सकते हैं और थीटा के किस वैल्यू के? के, के लिए रेंज मैक्सिमम होगी ये हमारा टॉपिक है राइट right? तो सुनिए आपको क्या करना है यहां पर साइन टू थीटा को मैक्सिम करना है आपने क्या लिखा आपने लिखा साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम और साइन की अब वापस से याद करो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी फिजिक्स में बहुत बार 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 काम आएगी आप याद करना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है माइनस वन साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज वेरी बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन नो तो साइन थीटा की या साइन टू थीटा की साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वन और कब होती है साइन फिर से लिख रहा हूं टू थीटा हैज टू बी मैक्सिमम क्वल टू वन वेन टू थीटा इज इक्व टू नाइनटी डिग्री साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है थीटा इज इक्वस टू कितना होना चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री दिस इज द कंडीशन फॉर रेंज बी मैक्सिमम फिर से बात करूं दीन्स The range of projectile will be maximum when object is projected at an angle theta equals to 45 degree with horizon हालांकि बात तो एक ही है अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थीटा से मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल्स टू 45 फाइव डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है तो वो वर्टिकल से भी 45 डिग्री पर है सेपरेट थिंग पर हम हमेशा एंगल कहां से लेते हैं एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल हम एंगल थीटा हमेशा कहां से लेते हैं विद द विदिजॉन ये एंगल थीटा लिखा है मैंने क्या लिखा है एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू तो 45 विद हॉरिजॉन्टल तो थीटा की वैल्यू आपके पास फोर्टी फाइव हो गई तो टू थीटा की वैल्यू आपके पास नाइन्टी डिग्री हो गई इसलिए साइन टू थीटा की वैल्यू आपके पास साइन नाइनटी यानी कि वन यानी कि साइन टू थीटा की वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम हो गई इसलिए आपके पास रेंज की वैल्यू भी क्या हो गई मैक्सिमम हो गई कितनी हो गई थीटा अपॉन जी और साइन टू थीटा की वैल्यू आप कितनी हो गई साइन टू थीटा की वैल्यू हो गई वन इसलिए आपके पास रेंज मैक्सिमम रेंज सॉरी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो गई यू स्क्वायर साइन टू थीटा की वैल्यू वन अपॉन जी यानी कि आप क्या कह रहे हैं द वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज इज यू स्क्ट अपॉन जी द मैक्सिम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यस सिंपल सिंपल इजी लैंग्वेज में मुझे यह समझ में आया वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री वेन एन एंगल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री देन द Value of sin 2 theta will be maximum, and that is that will be equals to 1. And in that case, range will be maximum, and the value of maximum range will be u square upon g. Yes, okay. One more thing. the angle theta is equals to 45 degree and velocity of prediction is u in that case range will be maximum in that case range will be maximum and how much u square upon g but what will be

अपॉन टू जी दैट मीन्स दैट मींस वॉट इन दैट केस आप इसको लिखेंगे यू स्क्वायर अपॉन टू जी एज इट इज और साइन फोर्टी फाइव के वैल्यू को क्या लिखेंगे वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर तो यू वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वन बाय टू तो नीचे टू एंड टू के क्या हो जाएंगे फोर तो आपके पास रेंज क्या हो जाएगी सॉरी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन फोर जी यस फिर से लिखता हूं थीटा इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्री पर रेंज विल बी मैक्सिमम हाउ मच यू स्क्वायर अपॉन जी एंड हाइट इन दैट केस मैक्सिमम हाइट अटेन इन दैट केस विल बी यू स्क्र अपॉन फोर जी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी को क्या लिख सकते हैं आर मैक्स लिख सकते हैं ना तो आपने क्या लिखा आपने यू स्क्वायर अपॉन जी को लिखा आर मैक्स आर मैक्स अपॉन फोर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन द केस ऑफ रेंज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फॉर द मैक्सिमम रेंज न पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विद द हॉरिजोंटल इन दैट केस मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल विल बी वन फोर्थ ऑफ द मैक्सिमम रेंज यस इज दलियर है चलिए मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है पर पूरी बात समझ में अभी नहीं आई चलिए आगे चलते हैं मैं जो कह रहा था हां इसको तो यहां पे कवर कर सकते हैं क्या ये जो हाइट है वो कितनी हो गई आप इस हाइट को लिख सकते हैं कितना आर मैक्स अपॉन फोर इस मैक्सिमम हाइट हाइड्रेटिन को आप क्या लिख सकते हैं आर मैक्स अपॉन फोर राइट चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं विद वेलोसिटी ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड फाइंड नंबर वन मैक्सिमम रेंज नंबर टू मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल ये दो बात दो छोटी छोटी बातें पूछी हैं right? राइट हाँ जी लिसन तो इन दैट केस आपका क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन एज 20 मीटर्स पर सेकेंड मैक्स आपके पास रेंज इन द क्वेश्चन इज मैक्सिमम दैट मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फोर्टी 45 डिग्री यस तो इन दैट केस मैक्सिमम रेंज या तो आप डायरेक्टली U स्क्र अपॉन G लिख सकते हैं या फिर आप U स्क्वायर साइन टू थीटा में थीटा की वैल्यू लिख के पुट करें तो भी यू स्क्वायर अपॉन G आएगा तो हमने जब सीख लिया है तो उसको लिख रहा हूं यू स्क्वायर अपॉन G, दैट मीन ट्वेंटी अपॉन टेन ट्वेंटी इज फोर हंड्रेड बाई इज 40 मीटर द मैक्सिमम रेंज इज 40 मीटर एंड द हाइट मुझे डायरेक्टली पता है कितना होता है आर मैक्स अपॉन फोर दैट मीन मैं लिख सकता हूं फोर्टी बाय फोर दैट मींस टेन मीटर इन दिस केस पार्टिकल विल रीच अप टू अ हाइट ऑफ टेन मीटर इज दैट क्लियर फिर से सुनो बात मेरे पूरी समझ में नहीं आई मैं तो हाइट पूरे फॉर्मूले से निकालूंगा निकाल लो जी u थीटा अपॉन टू जी यू स्क्वायर इज 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 45 फाइव मैक्सिमम हाइट के लिए देखो ये 2 into 10 2 into 10 इज 20 एक 20 से एक 20 कैंसिल तो क्या बचा ऊपर बचा 20 तो एक तो मेरे पास बचा ऊपर 20 यस yes. दूसरी बात साइंस स्क्वायर फोर्टी फाइव तो साइंस स्क्वायर फोर्टी फाइव को क्या ले सकते हैं वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर दैट मींस ट्वेंटी और नीचे रूट टू का होल स्क्टर इज दैट ओके राइट ओके ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर कि, कि, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं ये भी नहीं लिखा कि ऊपर की तरफ क्वेश्चन ये कह रहा है मैक्सिमम कितनी हाइट तक थ्रो कर सकता है हंड्रेड मीटर अब आप बताना हाइट का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी बताना जी हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है आदमी क्या चाहता है कि वो मैक्सिमम हाइट पे फेंके उसने जब वो जो फेंके तो आप पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाए तो हाइट कब मैक्सिमम होगी जब व्हेन देखो वेलोसिटी कांस्टेंट टू जी तो क्या कहेंगे व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम एंड वो मैक्सिमम कितना होगा वन तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए नाइनटी डिग्री 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद बात को समझिएगा आप हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रू करेंगे तभी वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा यस ओके यानी कि 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया व्हेन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्स थ्रो करेंगे तभी वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वापस से क्वेश्चन सुनो क्वेश्चन कहता है अ अ मैन कैन थ्रो स्टोन अप टू अ हाइट अप्रेड मीटर वो हंड्रेड मीटर तक थ्रो कर सकता है हंड्रेड मीटर तक थ्रो कर सकता है इसका मतलब मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है और मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है इसका मतलब वो किधर थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स यानी कि वेन ही इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स जब वो अपवर्ड थ्रो कर रहा है तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपॉन टू जी याद दिलाऊं जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं वर्टिकली अपर्ड थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है और इस मैक्सिमम कितने की बनेड्रेड मीटर तो इससे आपके पास अपॉन जी की वैल्यू आ गई कितनी टू हंड्रेड मीटर इसके लिए क्या किया टू उधर ले गया यस yes. अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अपवर्ड मैक्सिमम हंड्रेड मीटर तक थ्रो कर सकते हैं तो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे फेंक सकते हैं अब मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली अब किसी को हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम डिस्टेंस में फेंकना है तो क्या करना पड़ेगा 45 डिग्री पे थ्रो करना पड़ेगा आप बात को समझें यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या आप कहना चाहेंगे कि सर जब मैक्सिमम हाइट पे फेंकना हो तो आप कह रहे हो ऊपर फेंको तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकना हो तो हॉरिजॉन्टली फेंको ना हॉरिजॉन्टली तो फेंकोगे तो ये यहां गिरेगा और 45 डिग्री पे फेंकोगे तो ये यहां जाएगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री यस मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री तो क्या कहेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इक्वल और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की 200 मीटर तो यहां क्या लिखूंगा तो मैं यहां लिखूंगा यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू यानी कि 200 मीटर दिस इज द दिस इज एक्स मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सेस देखो जी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर फेंकना चाह रहा है तो वो किस तो वो मैक्सिमम रेंज का वन फोर्थ होगा ना 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 ये वो वाला केस है ही नहीं हम क्लियरली पूछते कि वेन पार्टिकल हैज रेंज मैक्सिमम तो उसकी हाइट क्या होगी तब तो वो आर बाय फोर आर मैक्सिमम बाय फोर लिख देते यस क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल को एक आदमी मैक्सिमम हंड्रेड मीटर तक थ्रो कर सकता है तो मैक्सिमम हंड्रेड मीटर का थ्रो करेगा जब वर्टिकली थ्रो करेगा और वर्टिकली थ्रो करेगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वाइंट टू जी उसकी वैल्यू आपने कितनी लिखी उसकी वैल्यू आपने लिखी यू स्क्र पॉइंट टू जी की वैल्यू हंड्रेड टू को लेगा तो यू स्क्र पॉइंट जी की वैल्यू आ गई आपके पास टू हंड्रेड अब कहता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कितना कितना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे थ्रो कर सकेगा देखो लिखा हुआ है न हाउ फार कैन ही थ्रो द सेम स्टोन फार मतलब डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस मतलब हॉरिजेंटली यहां पर लिख भी सकते हैं हम लोग यहां पर मैं लिख सकता हूं <coughs> तो मैक्सिम हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए उसको कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा फोर्टी फाइव डिग्री पे तो फोर्टी फाइव डिग्री पे अगर थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा और वो डिस्टेंस कितनी होगी मैक्स के इक्वल वो कितनी होगी यू स्क्वायर जी और यू अपॉन जी की वैल्यू अभी निकाली कैलकुलेट की थी कितनी टू हंड्रेड मीटर्स ये तो ये केस था रेंज मैक्सिमम होने का राइट right? इसके बाद अब हम लोग एक और बात करते हैं चलो यहीं पर शुरू करते हैं चलिए ऐसे बात करते हैं शुरू हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या है U square साइन टू theta upon g ठीक है मैं एक केस बात कर रहा हूं केस फर्स्ट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा तब तो कोई समस्या ही नहीं तब तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास है ही कितना यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी आपको लगेगा सर क्या बात हो ये तो ऊपर लिखा था अब समझ में आएगी केस Second, when particle is thrown at an angle ninety minus theta with horizontal or एन एंगल थीटा विदिकल आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं मैं यहां पर कहना चाहता हूं पार्टिकल इज थ्रगल देखो इस केस में पार्टिकल कैसे थ्रू किया था पार्टिकल वॉज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद ऑरिजोटल नाउ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल और यू कैन से नाइनटी माइनस थीटा विद ऑरिजेंटल यस इन दिस केस रेंज का फॉर्मूला क्या होगा देखो जी इन दिस केस रेंज का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू इन टू थीटा की जंगे क्या लिखेंगे नाइन्टी माइनस थीटा अपॉन जी यस सुनना जी साइन टू इंटू नाइनटी माइनस थीटा को आई कैन से

साइन टू इंटू नाइनटी माइनस थीटा की वैल्यू साइन टू थीटा ही होती है दिस इज द केस यस यहां पे क्या लिखा हुआ है साइन नाइन साइन टू इंटू नाइन नाइनटी माइनस थीटा इसको क्या लिख सकता हूं साइन टू थीटा ही लिख सकता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी ही आ जाएगा यस yes, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा के केस में रेंज को अगर आप आर आप, वन आप बोले तो इस केस में आप रेंज को आर टू बोल दें और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है यानी कि आपके पास क्या समझ में आया आर वन इज समझे वेन अ पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल नाइंटी माइनस थीटा इंस्टेड ऑफ थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा की बजाय नाइनटी माइनस थीटा पे थ्रो किया है ठीक है जी पहले हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे थ्रो किया था अब क्या किया है हॉरिजेंटल से 90 थीटा या वर्टिकल से थीटा एंगल पे थ्रू किया है तो उस केस में आपके पास रेंज की वैल्यू कितनी आई थी वापस से लिख देता हूं यू स्क्वायर साइन ऑफ टू इन टू नाइनटी माइनस थीटा अपॉन जी जिसकी वैल्यू हो गई थी आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी यस देन रेंज ऑफ पार्टिकल विल रिमेन सेम ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात को हम थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं देखो ये वो केस है जिसमें आपने पार्टिकल को एक एक पार्टिकल ये, ये फर्स्ट पार्टिकल है ये सेकंड पार्टिकल है ये फर्स्ट पार्टिकल, पार्टिकल, फर्स पार्टिकल है ये सेकंड पार्टिकल है राइट ओके एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे और दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा एंगल पे या वर्टिकल से थीटा एंगल पे थ्रो किया है प्रोजेक्टेड किया है ठीक है दोनों केसेस में क्या होगा रेंजेस विल बी सेम रेंज आर वन इज इक्वल टू आर टू फिर से बोलता हूं रेंज आर वन को क्योंकि एंगल थीटा कि, एंगल कितना है थीटा उसको तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी रेंज आर टू को फिर से लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन ऑफ टू इन टू अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया से अपॉन जी जिसकी वैल्यू आपके पास इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई थी थीटा ये कितना आ गया था यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी यानी कि रेंज आर वन की वैल्यू रेंज आर टू के इक्वल आ गई थी वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉट इज द Final conclusion when two particles are projected with same velocities such that one is making an angle theta with the horizontal, another is making an angle 90 minus theta with the vertical with the horizontal. One is making an angle theta with the horizontal, another is making an angle 90 minus theta with the horizontal, or you can say when two particles are projected with same velocities, one at an angle theta with the horizontal, another at an angle theta with vertical in both the cases ranges of the particles will be same both the particles will hit at the ground at the same position yes that is the moral of the story when two particles are projected velocities but one at an angle theta with horizontal another at an angle 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल और वन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल अनदर एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटीज सेम वेलोसिटीज बट ज एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल अनदर इज एट एन एंगल नाइंटी माइनस थीट हॉरिजेंटल और वन इज एट एन एंगल नाइंटी माइनस इज एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल ठीक है इन बोथ द केसेस रेंज ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम एंड

इज़ 90 माइनस थीटा ये एक इंपॉर्टेंट केस है चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं एक सिंपल क्वेश्चन और है थोड़ा सा चेंज करके है ये एंगल आपको कह रहा है 45 डिग्री माइनस थीटा और ये एंगल आपको गिवन है फाइव डिग्री प्लस थीटा बोध पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विदोसिटी यू यस हॉरिजॉन्टल से एक पार्टिकल 45 फाइव माइनस एंगल पे दूसरा पार्टिकल 45 फाइव प्लस एंगल पर तो दोनों की रेंजेस फाइंड आउट करनी है पहला पार्टिकल दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल दिस इज द सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल की रेंज को मैं बोल रहा हूं आर वन फॉर्मुला यूज इज यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा साइन ऑफ टू इसका एंगल कितना है ये रहा कितना 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी मैंने लिखा रेंज आर वन इज यू साइन ऑफ जी टू से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 90 माइनस थीटा अपॉन जी यू स्क्वायर एज इट इज साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर पॉजिटिव रहेगा 90 है तो साइन किसमें कन्वर्ट होगा कॉस में साथ में थीटा अपॉन साथ में टू थीटा आएगा यस yes? हाँ, दिस एंगल विल बी टू थीटा यस वाई टू थीटा टू से फोर्टी फाइव को मल्टीप्लाई किया तो नाइन और टू से थीटा को मल्टीप्लाई किया तो टू थीटा तो यहां पे भी क्या आएगा यहां पे भी आएगा टू थीटा अपॉन जी ये रेंज आर वन आ गई सेकेंड पार्टिकल के लिए बात कीजिए रेंज आर टू क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन ऑफ टू इन टू अब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थीटा अपॉन जी आर टू इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन ऑफ नाइनटी प्लस टू थीटा अपॉन जी यस अब आप लिखिए देखिए जरा 90 प्लस टू थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड सेकंड में साइन पॉजिटिव और 90 प्लस लिखा हुआ है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस तो साथ में आएगा टू थीटा अपॉन जी ये आपके पास आ गई रेंज ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ये आपके पास थी रेंज ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और दोनों की रेंजेस का फॉर्मूला क्या आ रहा है सेम एम राइट तो आप इस केस में भी क्या कहेंगे रेंज आर वन Is to R2. Will be same and कितनी होंगी दोनों की यू कॉस टू यस चलिए हम आगे चलते हैं ये वापस से वही दोनों बातें हैं एक को हॉरिजोटल से थीटा और दूसरे को हॉरिजोंटल से ये एंगल तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा नाइनटी माइनस थीटा तो एक पार्टिकल को चलो इसको अपन दो टेबल के फॉर्म में बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो यू ही है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कितना है थीटा पहला केस में राइट right? इसके लिए मैं डायग्राम भी बनाऊं। सेकंड केस क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो अभी भी यू है बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया इस बार हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कह रहे हैं थीटा विद वर्टिकल इसके लिए भी एक डायग्राम बनाए ये वाला जो एंगल है वो कितना है थीटा या ये वाला एंगल की बात करें तो ये कितना है 90 माइनस थीटा वही केस चल रहा है जिसमें रेंजेस क्या थी सेम थी राइट तो सबसे पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों केसेस में पहले मैं बात करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे टू यू साइन थीटा अपॉन जी यहां पे सेम ही रहेगा और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख रहा हूं टी वन जब एंगल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे थ्रो किया था तब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, था? टी वन फर्स्ट केस में यस क्योंकि एंगल की वैल्यू थीटा ही लिखनी है बट सेकेंड केस में हाँ जी सेकेंड केस में टाइम ऑफ लाइट को क्या करें टी टू और यहां पे थीटा की जगह क्या लिखा जाना है हॉरिजॉन्टल से एंगल जो लिखा जाना है वो कितना लिखना है 90 माइनस थीटा तो मैंने लिखा टू यू साइन नाइनटी माइनस थीटा अपॉन जी इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास देखना जरा साइन नाइनटी माइनस इक्वल टू कॉस थीटा तो आप क्या लिखेंगे टू यू थीटा अपॉन जी टी टूस टू तो हो जाएगा टू यू कॉस थीटा अपॉन जी ये आपके पास क्या हो गई टाइम ऑफ लाइट पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी पार्टिकल को वर्टिकल से थीटा, यानी कि हॉरिजोनटल से 90 माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा टू यू कॉस थीटा बाई जी यस चलिए इसी तरह से आगे बात करते हैं अब दोनों में क्या बात कर रहा हूं फर्स्ट केस में भी सेकंड केस में भी दोनों में मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि एक बार एंगल थीटा पे और एक बार 90 माइनस थीटा एंगल पे जब प्रोजेक्ट किया तो एक बार हाइट कम थी एक बार हाइट टू ज्यादा थी दोनों केसेस में हाइट्स हाइट्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी, यस, yes, वो दोनों हमें कैलकुलेट करनी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी थीटा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस केस में सोचना है एच टू वेटी ऑफ प्रोजेक्शन तो यू ही है तो आपने यू स्क्वायर लिखा यहां लिखा साइंटी माइनस सीटा क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजोंटल से नाइन्टी माइनस सीटा है अपॉन जी एज इट इज आएगा आप क्या कहेंगे आप कहेंगे साइन नाइन्टी माइनस सीटा को आप लिख सकते हैं कॉ सीटा इसलिए अब जो मैक्सिमम हाइट का आया वो कितना एच टू इक्व टू साइन नाइन माइनस टू होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन टू जी अपॉन टू जी अब मैक्सिमम हाइट अटेंट का फॉर्मूला चेंज हो गया है यस तीसरी चीज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल के लिए क्या कहेंगे इस केस में रेंज आर वन इक्व टू यू स्क्टा अपॉन जी यू की जगह थीटा थीटा की जगह कुछ भी नहीं करना पड़ा इस केस में रेंज टू यू थीटा की जगह क्या लिखेंगे नाइनटी माइनस थीटा अपॉन जी इक्व टू यू स्क्वायर ये क्या हो जाएगा साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वन एट्टी माइनस टू थीटा अपॉन जी बार बार कर चुके हैं ये बात सेम चीज को क्या आएगा यहां टू इसको क्या लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन वन एट्टी माइनस टू थीटा टू थीटा कितना हो जाएगा साइन टू थीटा ही हो जाएगा अपॉन जी दिस इज ऑल्सो सेम एज आर वन तो इस केस में आप क्या कहेंगे रेंज आर वन इक्व टू रेंज आर टू यस दोनों केसेस में रेंजेस सेम होगी जैसा डायग्राम में शोन है कि रेंजेस तो दोनों केसेस में सेम है बट हाइट भी डिफरेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट है यस और नो, चलिए, अब एक और बात करते हैं वेलोसिटी एट टॉप इस केस में वेलोसिटी एट टॉप इस केस में वेलोसिटी एट टॉप वेलोसिटी एट टॉप वन उसके लिए देखो चलो और इसके लिए वेलोसिटी एट टॉप VT2, ये दोनों फाइंड आउट करनी है दोनों केसेस में यही करता हूं यही कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे वेलोसिटी एट टॉप चलो आगे करते हैं टॉप ऑफ प्रोजेक्ट सुनिए जी इस केस में तो वेलोसिटी एट टॉप vt1 वन को क्या लिखेंगे यू कॉस ऑफ थीटा याद दिलाऊं क्या याद दिलाना पड़ेगा

ंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा ठीक है जी तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा राइट तो टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल ये रहा टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल इस समय पे इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी सुनो जी आपने क्या कहा ये एंगल कितना था 90 माइनस थीटा यस तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा इसकी वेलोसिटी कितनी थी यू वेलोसिटी का एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा कितना होगा यू कॉस थीटा जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ कंपोनेंट कॉस कॉम्पोनेंट दूसरी तरफ ये वाला कॉम्पोनेंट होगा वो कितना होगा यू साइन थीटा कॉम्पोनेंट एक तरफ कॉस कॉम्पोनेंट दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट

90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा तो वेलोसिटी एट टॉप विल बी यू थीटा टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यू थीटा बोली बात सही है क्या यस yes, क्लियर है ओके केस वन और केस टू को वापस से पूरा का पूरा डिस्कस कर रहा हूं एक बात थी टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था टू यू साइन अपॉन जी इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख रहे थे t2. वो कितना आया था बता भी देता हूं यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था विद हॉरिजॉन्टल यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है विद हॉरिजॉन्टल तो यहां पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा 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 तो theta, theta, तो ये हो जाएगा दैट मींस आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा टू यू कॉस अपॉन जी अब हम बात करनी मैक्सिमम हाइट अटेन एच वन इस केस में मैक्सिमम हाइट अटेन थी यू स्क्सर थीटापॉन टू जी मैक्सिमम हाइट थी एच टूल स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी साइन थीटा का होल स्क्वायर है थीटा की जगह इस केस में क्या होगा नाइनटी माइनस थीटा तो साइन नाइनटी माइनस सीटा का होल स्क्वायर यानी कि थीटा का होल स्क्वायर स्क्वायर यानी कि थीटा हो जाएगा राइट right? Okay. फिर हमने बात की थी रेंज की आर वन इक्व टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आर टू इक्व टू भी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी यानी कि हमने क्या सीखा था रेंज आर वन विल बी इक्व टू रेंज आर टू यस, yes. फिर इसके बाद क्या केस था वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल वी टी वन इज इक्वल टू ये तो आया था यू कॉस थीटा यहां पे वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना आया था यू साइन ऑफ थीटा यस yes, एक और बात हम साथ में यहां पे कर लेनी चाहिए करते हैं इसके लिए ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को से लिखा है जिसको हम सर्नि जनरली काइनेटिक एनर्जी को ई से लिखते हैं कितना होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, है ना पहली बात एट दाइम ऑफ प्रोजेक्शन जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे हाफ एम इंटू यू स्क्वायर यस दूसरी बात काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल

एम एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यस कितना आ गया हाफ एमयू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्लियर है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको लिखता हूं मैं एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इनिशियल कैनेटिक एनर्जी तो इनिशियल कैनेटिक एनर्जी को मैं यहां पे हाफ एमयू स्क्वायर लिख सकता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इनटू स्क्वायर थीटा तो मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात और की है अब अपन क्योंकि दो केसेस की बात कर रहे थे हाँ जी काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी को यू ही लिखने वाले हैं एंगल थीटा को थीटा ही लिखने वाले हैं तो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इक्व टू क्या लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जैसा फाइंड आउट किया वैसा लिखा देखना यही तो फाइंड आउट किया था काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यस इस केस में काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ एम u स्क्वायर हाँ जी इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो u ही लिख रहे हैं बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या लिखने वाले हैं 90 माइनस थीटा लिखो जी फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा उसमें थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा यस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यस काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया यस yes. चलिए इसको काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल वन ये काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल टू यस तो हमने जो भी फाइनल केस पढ़ रहे थे इसमें एक लास्ट केस और रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी एट टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल वन को क्या लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और इस केस में क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल टू इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलिए बात क्लियर है यस yes? ओके okay. ये हमने आज सिर्फ थ्योरिटिकल बातें पढ़ी हैं और थ्योरिटिकल बातों में भी क्या क्या बात की है आप सारी बातों को ध्यान रखना मैंने दो बातें मेन तौर पे की है एक जब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो मैक्सिमम दूसरा केस क्या पढ़ा जब दोनों पार्टिकल्स की रेंज क्या हो सेम इफ वेलोसिटीज आर सेम बट एंगल्स आर डिफरेंट तो उन दोनों केसेज में रेंज सेम होने वाले केसेस के बारे में बात की और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखी हैं चलो कुछ छोटी छोटी बातें और सीख लेते हैं आज ही क्लास में इसको फिनिश करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हम और बात करते हैं ये वही दो केसेज हैं कौन से दो केसेज जब दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है बट उनके एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हैं बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से हैं कि उनकी रेंज मैक्सिमम है यस yes, उनकी रेंजेस रेंजेस मैक्सिमम नहीं रेंजेस सेम है दोनों की रेंज सेम है सच दैट देर रेंजेस आर सेम एंगल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है

टू दोनों केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशो क्या होगा वो कितना लिख सकता हूं टू यू थीटा अपॉन जी दूसरे की रेंज टू यू थीटा अपॉन जी टू यू से टू यू जी से जी कैंसिल हो जाएगा बचेगा कौन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली क्या टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विद सेम वेलोसिटीज बट एट डिफरेंट एंगल्स सच आर सेम देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लाइट्स ऑफ टाइम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थर्टी डिग्री तो उसके नो डायरेक्ट आप इससे सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड केस दोनों की मैक्सिमम हाइट अटेन का रेशियो पहले पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी यू स्क्वायर से यू स्क्वायर टू जी से टू जी कैंसिल हुआ क्या बचा आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम वेलोसिटीज बट एट डिफरेंट एंगल्स सच दैट दे रेंजेस आर सेम इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज सिक्सटी डिग्री देन वॉट विल बी द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स अटेंड

u cos theta, दूसरे वाले की u sin theta, u से u कैंसिल क्या आया cos upon sin theta यानी कि cot theta. नंबर four. रेशियो ऑफ their kinetic एनर्जी एट टॉप तो आप क्या लिखेंगे Kinetic एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की kinetic एनर्जी second पार्टिकल की एट द टॉप पहले की kinetic एनर्जी क्या थी हाफ एम यू स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा कैनेडी कैनेडिटी एट टॉप दूसरे वाले के लिए क्या थी हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर दोनों को कैंसिल हो जाएंगे क्या आएगा कॉस्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी के कॉट स्क्वायर थीटा यस चलिए ये तो हमने रेशियो फाइंड आउट किए नेक्स्ट केस में केस नंबर फाइव प्रोडक्ट ऑफ देर टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट टी वन इंटू टी टू फाइंड आउट करना है बताइए जी टी वन की वैल्यू टू यू थीटा अपॉन जी ये पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू थीटा अपॉन जी मैंने लिखा टू को ऐसे लिखा यू इंटू यू यू स्क्वायर लिखा साथ में लिखा देखो थीटा भी आ रहा है थीटा भी आ रहा है तो मैं इसको लिख रहा हूं टू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ रहा है जी इंटू जी जी स्क्वायर यस तो प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है देखो टू यू स्क्वायर एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं साइन ऑफ टू थीटा अपॉन जी स्क्वायर ये तो एक आंसर आया बट इस आंसर को मेरे को आगे कुछ और बनाना है क्या बनाना है क्या बन सकता है ये रेंज बन सकता है रेंज बन सकता है ना तो उसको लिख रहा हूं टी वन इंटू टी टू इक्वल्स टू टू अपॉन जी अलग से लिख रहा हूं साथ में लिख रहा हूं यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी जिसको मैं लिख सकता हूं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो इससे क्या आ जाएगा टी वन इन टी टू 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 ये हो जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जी तो दोनों कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके एक और कंडीशन बनी यस फिर अपन आगे आ जाए नंबर सिक्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स अटेंड देखो H1 वन इन टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्या लिखेंगे पहले की हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी इन दूसरे की मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी फिर अपन इसको लिखेंगे एच वन इंटू एच टू इज टू हाँ जी देखो दोनों में से एक यू स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर इंटू यू पावर फोर तो मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला हूं तो कैसे लिखूंगा यू स्क्वायर फिर एक साइन थीटा एक थीटा एक टू जी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं देखो

अपॉन फोर जी बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैंने टू से ऊपर और टू से नीचे मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर यस ऐसा करने से क्या हुआ एच वन इन टू एच टू इक्वल टू देखो ब्रैकेट के अंदर ही वन बाय फोर अलग से लिख देता हूं साथ में क्या बन रहा है यू स्क्वायर साइन टू थी टू साइन थीटा थीटा यानी कि साइन टू थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर यानी कि एच वन इन टू एच टू की वैल्यू ये पूरा का पूरा कौन हो गया रेंज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो आर फोर का होल स्क्वायर तो यहां से एक रिलेशन तो ये बन रहा है क्या दोनों की मैक्सिमम हाइट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय सिक्सटीन एक तो रिजल्ट ये बन रहा है राइट right? और दूसरा रिजल्ट क्या बन रहा है देखो ये स्क्वायर है ना तो अंडर रूट लगा दो दोनों तरफ तो इधर दो हो जाएगा अंडर रूट एच वन इन टू एच टू और इधर हो जाएगा आर 4. तो दूसरा रिलेशन बन रहा है मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू टाइम्स स्क्वायर रूट H2. ये कुछ डायरेक्ट पूछे जाने लायक क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं ठीक है जी तो इनको आप ढंग से समझ लें ढंग से पढ़ लें साथ में याद कर लें जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ज्यादा समय नहीं लगे समय बचाने के लिए हमने ये सारे केसेस पढ़े छह केसेस पढ़े हैं और उससे पहले टेबल पढ़ी थी जिसमें एक तरफ हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा दूसरी तरफ पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल से नाइन्टी माइनस सीटा यस तो ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर की आप ढंग से तैयार करेंगे ढंग से पढ़ाई करेंगे उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं कल की क्लास में तब तक ऑल द बेस्ट थैंक यू